नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये नोटिस बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी जो आपका मेल आ रहा था चेन्नई बोर्ड से, जो मेल दिया जा रहा था सभी को वहाँ आईडी पासवर्ड के लिए, तो उसके अलावा जो एग्ज़ाम होना था, मतलब आपको 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 दिसंबर से, ठीक है ना, तो 28 दिसंबर से कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा, कितना स्टूडेंट वाला फेज़ में आएंगे, वही नोटिस आया हुआ आपका। आपका एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताने का वो नोटिस जो डाला है वो देखते हैं क्या है। नोटिस पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बारीकी से आपको समझाते जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CN 1/2019, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन था वही है। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, दो पोस्ट आया हुआ था, एक था ग्रेजुएट लेवल का, एक था नॉन ग्रेजुएट, दो पोस्ट के लिए आया हुआ था वैकेंसी। नोटिस ऑन द एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, नोटिस देखिए। द फर्स्ट स्टेज CBT विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेज, मतलब विभिन्न फेजों में एग्जाम होगा वो, इन ऑर्डर टू इंश्योर एडहरेंस टू ऑल द COVID-19 गाइडलाइंस, ठीक है, जितने भी COVID-19 का गाइडलाइंस उसको देखते हुए एग्जाम को बार बार, मतलब बहुत सारे फेज में एग्जाम लिया जाएगा। फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्रोक्स 1.25 करोड़, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, लगभग आपको यहाँ अप्रोक्स दिया गया है 1.25 करोड़ स्टूडेंट लोगों उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम इज शेड्यूल फॉर द 23 लाख, मतलब फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम होगा वो 23 लाख स्टूडेंट कैंडिडेट होगा उसका एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका 23 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए आपका पांच फेज में लगभग एग्ज़ाम, पांच या छह फेज में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो पांच फेज एक अनुमान लेके चल रहे हैं कि पांच फेज में आपका एग्ज़ाम होगा, पांच फेज में एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट फेज में कितना है दोस्तों, आपका 23 लाख कैंडिडेट्स अप्रोक्स टू बी हेल्ड फ्रॉम 28/12/2020 टू 23, मतलब 13/1/2021, मतलब आपका 28 दिसंबर से और 13 जनवरी 2021 तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा, 23 लाख स्टूडेंट के लिए होगा। वेरियस सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री, द रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल इन द सब्सिक्वेंट फेजेज एंड विल बी इनिस्मेटेड एकॉर्डिंगली, ठीक है, तो आपका जो होगा तो आपको शेड्यूल देते जाएगा आपको ये हमेशा। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि, फॉर द कैंडिडेट हु आर शेड्यूल इन ए पर्टिकुलर फेज, द लिंक फॉर द व्यूविंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ द ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द RRB वेबसाइट 10 डेज प्रियर टू स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। जैसे आपका 28 तारीख को एग्जाम है तो मतलब आपका 18 तारीख को ये क्या लिंक एक्टिवेट कर देगा, किस चीज़ के लिए, जो SC/ST जो शेड्यूल कास्ट हैं उसके लिए जो आपका ट्रैवलिंग का फ्री है वो मिल जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी एंड डेट, आपका किस तारीख को एग्ज़ाम है और कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वो हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आपका जो डाउनलोडिंग जो एडमिट कार्ड होगा वो कब होगा, डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 डेज प्रियर टू एग्ज़ाम डेट मेंशन इन द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इनिमेशन लिंक। तो आपको यदि आपका सेंटर यदि दूर देता है तो आप पहले ही टिकट कंफर्म करा लीजिएगा जहाँ जाने के लिए, क्योंकि आपका कॉल लेटर 4 दिन पहले ही आएगा, ठीक है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम सिटी पता चल जाता है आप कंफर्म हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा, और कॉल लेटर निकलने से आप कॉल लेटर निकालने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका तो कल ही, मतलब 18 तारीख को ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा एग्जाम सिटी का। इसके बाद देखते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ नॉट शेड्यूल्ड इन ए फेज, ऑन एक Assessing the link for viewing the exam city date message will be displayed. Dear candidate, you are not scheduled in the present phase. Please wait for the information for RRBs. जैसे मान के आपका इस फेज में एग्जाम नहीं होगा तो आपको ये आपको वहाँ पे शो करेगा, डिस्प्ले पे ये शो करेगा, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, ठीक है। ये आप ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम नहीं होगा, होगा, लेकिन आपको अगले फेज में एग्जाम होगा, इस फेज में आपका एग्जाम नहीं होगा, जिसका होगा वो आपको यहाँ पे यहाँ शो कराएगा। फॉरगेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो उसके लिए भी लिंक एक्टिवेट करेगा, विल बी मेड अवेलेबल ऑन द RRB ऑफिशियल वेबसाइट टू असिस्ट कैंडिडेट हु फॉरगेट दियर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिट्राइविंग दियर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसहेल्ड बाय द अनऑथराइज्ड सोर्स, ठीक है। आप कहीं से भी आप गलत इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो उसका रिस्क ये नहीं लेंगे, आप नहीं जाएंगे, आपका जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको जो भी नोटिस आएगा वो आप देखते
देखिए उस पर आप टेस्ट कीजिए, ठीक है। इधर उधर से जो व्हाट्सएप और फेसबुक है ये सब नोटिस आपको ध्यान नहीं देना है, और बाकी बात जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।